अवंतिका रॉय, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। झारखंड के खान सचिव और आईएएस पूजा सिंघल और उनके करीबियों के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी के बाद ईडी की पूछताछ का जो दौर है वो लगातार जारी है। कल आपको बता दें कि पूजा सिंघल को अदालत के द्वारा 5 दिनों की ईडी रिमांड पर भेजा गया था और कल उनके रिमांड का पहला दिन था और कल उनसे लगातार दिन भर और पूछताछ की गई। और आपको बता दें कि कल रात को भी वो ईडी के दफ्तर पे ही यहाँ मौजूद थी। इस वक्त भी हम ईडी के दफ्तर के ही बाहर है। ऐसा बताया जा रहा है कि कल रात में उनकी तबीयत जो है वो थोड़ी नासाज हो गई, जिसके बाद से आज सुबह मेडिकल की टीम पूजा के मेडिकल जांच के लिए यहाँ पर पहुँची। वही बताया जा रहा है कि वो बार बार नर्वस होकर बेहोश हो जा रही है और थायराइड और ब्लड प्रेशर जैसी शिकायतें उनको आ रही है, जिसे लेकर आज मेडिकल की टीम यहाँ पर पहुँची थी और डॉक्टर ने उनका मेडिकल जाँच किया और उन्होंने कहा कि अभी वो नॉर्मल है और लगातार अभी भी ईडी की जो पूछताछ है उनसे जारी है। तो आइए आगे देखते हैं कि डॉक्टर ने उनकी तबीयत को लेकर क्या कुछ कहा। स्थिति भी करीब करीब ठीक है, चिंता तो है ही थोड़ा बहुत, रिलैक्स। मैंने उनको रिलैक्स होने की सलाह दी और मैंने कहा कि कुछ योगा शवासन कीजिए और इससे आप रिलैक्स रहेंगे। जिस परिस्थिति को इसको स्वीकार करके आनंद में रहिए, आनंदित रहिए तो ठीक रहेगा। बुरा में भी समय में भी आनंद उठाइए, अच्छा समय को भी आनंद उठाइए, संभव रहिए। अभी बीपी जो है सो उनका 140 के आसपास। चिंतित है मैडम? मैडम चिंतित हैं, कुछ परेशान दिख रही हैं क्या? थोड़ा सा परेशान तो है, थोड़ा बहुत। सर हुआ क्या है, क्या अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, ये तो रूटीन चेकअप है। इस काम में जो अंडर कस्टडी है उनको चेकअप करना जरूरी पड़ता है। उनको मैंने सुबह भी देखा, चेक अभी किए हैं, शाम में भर आकर चेक करूंगा। उनका हेल्थ का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है, वो कर रहे हैं। सर क्या उन्हें अस्पताल ले जाने की जरूरत है? अभी तो नहीं है अस्पताल ले जाने की जरूरत। खाना खा रही है मैडम टाइम से? क्या वजह है? ना हमको तो अभी इन्फॉर्मेशन आया कि तबीयत खराब है। मैंने बहुत इमरजेंसी, अपना पर्सनल इमरजेंसी बॉक्स लेकर आया, बहुत स्पीड में आया। और हाँ, बहुत तो आपको कहा गया तबीयत खराब, यहाँ पाए तो नॉर्मल पाए गए? नॉर्मल थी? नहीं, बिल्कुल भी सब नॉर्मल है और पल्स भी नॉर्मल है। बेहोश होने की सूचना मिल रही है सर, कल भी रात में बेहोश हो गई थी। हो सकता है नींद नहीं आता हो तो गिर जाती है, वो जिनको बेहोशी कहा जा सकता है। ठीक है, थायराइड वगैरह की भी समस्या है कुछ? हाँ, उनका थायराइड का भी प्रॉब्लम है, बीपी का भी पहले से प्रॉब्लम है, ये पहले से उनका प्रॉब्लम। खाना ना खा रही है मैडम? हाँ खाना खा रही है। थैंक यू सर।